भाई साहब की विदाई जुलूस से खड़े हुए कई सवाल। इंदौर प्रशासन कोरोना को काबू करने की कोशिश कर रहा है, वहीं प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां थाना प्रभारी के विदाई समारोह में इस तरह से ढोल धमाकों से विदा किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है यह उत्साह कोई शादी का नहीं, ना ही किसी बर्थडे पार्टी का है, ये सेलिब्रेशन है मल्हारगंज थाना प्रभारी संजय मिश्रा की विदाई का। आप भी देखिए किस तरह से प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कई लोग थाना प्रभारी को घेरे हुए हैं, वहीं ढोल बाजे वाले भी थाना प्रभारी के आसपास ढोल बजाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई लोग बिना मास्क के आसपास घूमते भी नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों यहां सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल पुलिस के अलावा अधिकारियों द्वारा इंदौर शहर के दो थाने के प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें संजय मिश्रा को मल्हारगंज थाने से ट्रांसफर कर शिवपुरी पहुंचाया गया। जैसे ही उनके चाहने वालों को इस खबर लगी, वैसे ही आसपास के व्यापारियों और लोग ढोलबाजों के साथ थाना प्रभारी का विदाई समारोह करने पहुंच गए और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। यहां तक कि थाना प्रभारी महोदय संजय मिश्रा ने भी इसका विरोध नहीं किया। थाना प्रभारी महोदय तो अपना स्वागत कराने में ही पूरे समय व्यस्त रहे। जैसे ही इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को लगी तो उन्होंने संजय मिश्रा को फटकारा और जांच की बात भी कही। वहीं जांच सीएसपी लेवल अधिकारी को सौंपी। जांच के बाद देखना यह होगा किस तरह की कार्रवाई अब थाना प्रभारी पर होती है। इंदौर से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। इसमें कुछ चीजें बताई गई खूबियां, उनका पुलिस अभी परीक्षण कर रही है। सर कल एक वीडियो वायरल हुआ था मल्हारगंज थाना प्रभारी का, उनको विदाई दी थी तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई थी, क्या मामला था, क्या कार्रवाई? पुलिस ने लगातार ग्लोबल डिस्टेंसिंग के पालन पर जोर दिया है। लगातार इसमें अगर पुलिसकर्मी अगर कहीं पालन का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एक थाना प्रभारी को यहाँ से रिलीव किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद इस तरह का वीडियो संज्ञान में आया है, उस वीडियो को गंभीरता से लिया गया है। सीएसपी को उसके 24 घंटे के अंदर उसमें उसे प्रतिवेदन मांगा गया है, उसके बाद इसमें अधिकारी के विस्तार।